Hi all, Varun here. Welcome back to Thriller Bonsai. And today with me is this Petrocarpus santalinus tree, guys. Commonly called as red sandalwood. जी हाँ दोस्तों, इसको रेड सैंडलवुड इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसका जो लकड़ी होता है वो लाल कलर का होता है, एंड जब हम लोग कट करते हैं उसके बार्क को तो रेड कलर का सैप निकलता है. सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज रेड सैंडलवुड ट्री गाइस. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सैंडलवुड. दिस इज इवन मोर एक्सपेंसिव, एंड आप देख सकते हो कि इट्स अ ह्यूज ट्री दैट आई जस्ट गॉट फ्रॉम जलाराम नर्सरी. आई हैव टू बेंड टू शो यू. दीज आर द लीव्स, राउंडेड लीव्स रहते हैं इसके. सो मैं इसको साइड में रख देता हूँ अभी के लिए एज आई कंटिन्यू टू डिस्क्राइब मोर अबाउट दिस ट्री. So guys, this tree is classified under threatened category just because इसको काफी हद तक काटा जाता है because its wood is very expensive. Red color का wood रहता है and it is quite expensive, almost 1500-1600 rupees per kg. So you can imagine कि जितने भी trees हैं already कम थे trees, and because it's so expensive, people are cutting the trees and no one is planting this particular tree. That's why it's near about to be getting extinct basically. So it's a threatened species. So अगर आप चाहे तो आप इसे घर पे भी लगा सकते हैं, and I think so. ये दिन रात दोनों टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज करता है. सो दैट इज इवन मोर पॉजिटिव थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्लांट गाइस. एंड टुडे वी हैव गॉट दिस फ्रॉम जलाराम नर्सरी. इट्स अ बिग वन दैट वी हैव टू वर्क ऑन टुडे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड हियर ऑन थ्रिलर बोनसाई. कीप वॉचिंग. सो गाइस, दैट्स द सैंडलवुड ट्री, रेड सैंडलवुड ट्री, एंड आई कैन शो यू हाउ इट इज. इट्स टू टॉल, आई कैन बेयरली फिट इन वन फ्रेम. इसको हम लोग थोड़ा प्रून करेंगे पहले. मे बी आई लीव, यहाँ से लोएस्ट ब्रांच निकल रही है, सो आई विल लाइक टू कीप दैट वन एंड बाकी सब आई लाइक टू प्रून इट आउट. सो मेजर प्रून वी नीड टू डू हियर. सो आई एम जस्ट गोइंग टू कीप द कट जस्ट लाइक दिस हियर. ऑफ इट कम्स, वी जस्ट हैव अ स्टिक नाउ, स्टिक विच इज़ टू बी लॉन्ग इनफ. ओके, सो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा अपने को काम करने के लिए बिकॉज द वेट वॉज ऑन द टॉप दैट वी हैव रिमूव. सो दैट कुड मेक अ वेरी गुड कटिंग इफ आई कैन ट्राई. सो सबसे पहले मैं उसको एक स्लैंट एंगल में कट देता हूँ, एंड आई विल सी, आई विल पुट इट इन वाटर एंड फर्स्ट लेट्स सी वेदर आर वी एबल टू प्रोड्यूस रूट्स फॉर दिस वन. सो आई हैव प्लेस्ड द कटिंग इन वाटर एंड विल वेट फॉर इट टू रूट अप. इन द मीन टाइम we can remove the plastic. It's a huge pot, not a pot, I mean huge soil, you can say huge bag, huge plastic bag. isme se kafi sara soil niklega, and let's hope ki thoda sandy soil ho to it should be easier for us to remove. let's see. anyways, it's a big one, so we'll start it. Great, it's coming out quite easily. So guys, you can see that there is a bit of sand here. And because of that sand, it's easier for us to remove. नहीं तो क्या होता है, it gets very difficult to remove the nursery soil. So इतना ज़्यादा soil है, but फिर भी काफ़ी आसानी से निकल रहा है. So happy to see that. ये soil निकालना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम लोग bonsai soil में इसको लगा पाए. Bonsai soil is nothing but it's just a well draining soil. तो अलग अलग टाइप का सॉइल है, बट जो कुछ भी हो उसमें सैंड मिक्स्ड है, सो इसीलिए काफ़ी इजीली निकल रहा है. सो वी कैन रिमूव द टॉप पोर्शन डायरेक्टली बिकॉज एनीवेज लोअर पोर्शन अपने को नहीं चाहिए. एंड आप देख सकते हो कि डायरेक्टली उन्होंने इसके साथ ही जो पॉलीथीन है उसके साथ ही उन्होंने डायरेक्टली बड़े वाले बैग में लगाया था. दैट्स अ लेजी वर्क, बट you can see that the roots are coming out of this polythene bag and then growing out in another polythene. that is strange. anyways,
So we don't care about the bottom part. We have to now only remove these roots. So we'll throw the soil off first. चलिए अभी रिमेनिंग सॉइल को रिमूव करते हैं. श्योर दैट विल कम आउट प्रीटी इजीली. एज यू कैन सी ऑलमोस्ट निकल ही गया. सो दिस प्रोसेस यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. यू शुड नॉट बी डैमेजिंग द रूट्स. अगर ज़्यादा ही चिकनी होती है मिट्टी तो यू हैव टू वॉश इट ऑफ इन वाटर. बट मेक श्योर दैट रूट्स डोंट गेट डैमेज, नहीं तो उसको रिपोर्टिंग स्ट्रेस में चला जाएगा प्लांट एंड देन इट मे बी डिफिकल्ट फॉर इट टू सर्वाइव एंड टू रिकवर फ्रॉम दैट स्ट्रेस. अननेसेसरी उसको स्ट्रेस दे के मतलब नहीं है. इफ यू कैन ईज अप इट्स वर्क एंड आर वर्क एज वेल. सो ये पूरा सैंड है. एज यू कैन सी द येलोइश जो है वो सैंड है एंड बाकी सब मिट्टी है. So almost there. The center core जो है वहाँ पे तो पूरा sand है. That's why this tree was so healthy. The sand में भी drainage थोड़ा अच्छा होता है. अगर आप कौन सा soil आपके पास नहीं है तो आप sand में लगा सकते हो. सैंड में भी थोड़ा अच्छा ड्रेनेज मिलता है अपने को. नीड टू प्रून अ लिटिल बिट ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम बिलो ताकि इजीली बाहर निकले. वन स्ट्रॉन्ग टैप रूट आई एम जस्ट प्रूनिंग इट आउट. There you go. Off comes the taproot, जो अटक गया था यहाँ पे बैग में. Now look at the roots. They are very strange. The taproot is very ugly. So it's like going down and then this is the root. I don't think we should be pruning that. नहीं तो कुछ बचेगा नहीं अपने पास. So let's keep it.
we'll wash it out now. I think soil to sab remove ho gaya hai. So I have some fresh water with me. And that I'm going to wash it out. So this is not a good looking route. ऐसा नहीं होना चाहिए था. We can't help it. Let's look at the roots now. Before that, I'll show you the top जहाँ पे हम लोग ने उसको कट किया था. Why it is called as red sandalwood? आप देख सकते हो कैसे रेड दिख रहा है ये अंदर से. It's fully red. जो sap निकल रहा है वो भी red in color है. So it's just like blood. So that's why it's called as red sandalwood. So now we have to see what to do about these roots. It's a very difficult decision. If you look at the roots, एक ही strong taproot है यहाँ पे जो grow कर रहा है downwards and then it is getting bent यहाँ पे. So ideally we should not be having this taproot. We should be having radial roots coming from here. But that's not the case. We are having this taproot which we'll have to surely prune, but whether to do it or not, it's a question. And also this root, I don't want such roots which are growing down, from down to up and more up, definitely not. So at least we'll have to prune this root off, at least that, also this, but we'll do that later. So let's do that for now. जो ऊपर की तरफ grow कर रहा है उसको मैं flush कर रहा हूँ. Don't need this. So we got rid of pretty much amount of root here. Now we are left with only a few. I think that's okay because it will develop more roots in future. And I hope it develops from this side, not from here. So anyways, we'll have to plant it now. And I don't think we can make any more cuts to this tree. This root. I think that's okay for now. We'll plant it. So I've decided to use this beautiful brand new green pot. It's from 9-inch square bonsai by Arnie or V Green. Let's make the holes first quickly.
That's it. Holes जो है वो आ गए हैं. Can see from the holes. So let's plant the tree now. सबसे पहले एक layer of soil. I'll put. Now we have to place the tree. There is no branches to this tree as such, so doesn't matter what is the front. And I'm a bit afraid about the roots because there are hardly any roots, and all of them are not. None of them are going in the right direction, honestly speaking. So we'll not worry about that for now. We'll just plant it like this, and we'll allow it to. I mean, hopefully, we get new roots coming out from here. We'll have to reduce this one from below. You can see it is red, this one. ऐसे रखना होगा आप लोगों से. That's how we can plant it. Okay, no other option because we don't have any other roots, so no other option. Just put more soil in it now. Remove the air pockets quickly. That's it, tight हो गया काफ़ी. Now we'll water it and allow it to recover. एक final view आपको दिखाता हूँ उसके पहले. This is how. It's just a log of wood, that's it. Two leaves on top, that's it. इसके अपडेट्स अपकमिंग वीडियोज़ में आपको देते रहूँगा. So that was our reporting work. Now let's take a look at some of today's updates. So guys, here you can see that this is a teak tree. Iske upar hum log ne previous video mein kaam kiya tha. Some of the upper leaves, they are just drooping down a little bit, but that's okay.
The tree is still looking healthy and hopefully it will recover. Then we have this particular apple tree, guys. इसके ऊपर भी हम लोग ने काम किया था and that is also looking healthy. You'll see the new shoots. They are still there. And yeah, I think this will make it. You see here as well. We have some shoots coming up. Yeah, this is looking healthy. And here is the dwarf kamini tree. इसके ऊपर हम लोग ने काम किया था and that is also looking very good. So far at least. And guys, the royal oak tree, England का जो national tree है, it is producing new shoots. You can see here. Looks like it is loving this humid, rainy climate. And नीचे भी I think you can see that there are lots of shoots coming out from here. The tree is growing stronger and stronger day by day. You can see that from the stem. That's the only royal oak tree that I'm having right now. So guys, that's all for today from myself, Arun, here on Thriller Bonsai. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो as always make sure to like this particular video, share it with your friends and family, and always keep subscribed to Thriller Bonsai and keep watching our videos. And maybe you can check out some of our recent uploads as well. And don't forget to stay healthy, stay fit. Goodbye and have a very good day.